An electric dipole is formed by two equal and opposite charges q with separation d. The charges have same mass m. It is kept in a uniform electric field E. If it is slightly rotated from its equilibrium orientation, then its angular frequency is. So यहाँ पे हमारे पास uniform electric field है और इसमें इसकी stable position dipole की जो है माइनस और प्लस, प्लस और माइनस, इसे बोलते हैं स्टेबल पोजीशन। यहाँ से हमने इसे थोड़ा सा अपनी जगह से हिला दिया है, स्लाइटली, क्लियरली मेंशन है, स्लाइटली रोटेटेड से फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एंगल थीटा, प्लस और ये माइनस। नाउ वी नो दैट इट विल ट्राई टू कम बैक बिकॉज ऑफ द फोर्स एंड the torque acting on it will be r cross f. It will come back with the torque. So f ye and we know that f hota hai qe. So torque lagega qe, that is f, aur inke beech mein jo distance hai, if this is 2a, the separation d mentioned hai, sorry, so we have to use d. So ye d hai, to ye cheez kya hogi, d sin theta. ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या होता है आर एफ, टॉर्क क्या होता है आर एफ साइन थीटा, तो आर तो हमारा डी हो गया है ना, और क्यू ई साइन थीटा, ये हो गया। नाउ सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, वी राइट टॉर्क इक्वल्स टू क्यू ई डी थीटा। नाउ टॉर्क आई अल्फा भी होता है और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हैं तो ये पार्टिकल्स, कोई रॉड तो है नहीं, एक की डी बाई टू दूरी, एक की डी बाई टू दूरी, तो आई हो जाएगा दोनों का आई वन प्लस आई टू एल्फा। आई वन होगा एम डी बाई टू का स्क्वायर प्लस एम डी बाई टू का स्क्वायर इंटू एल्फा, तो हो जाएगा एम डी स्क्वायर बाई टू प्लस एम डी स्क्वायर, सॉरी बाय फोर एंड बाय फोर, so we get md square by 2 alpha, that is the torque I can write, and यहाँ पे हम इसको बराबर रख सकते हैं दोनों टॉर्क्स को, md square by 4, sorry by 2 alpha is equals to qe d theta। तो हमको तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो पहले तो alpha by theta यहाँ लिख लीजिए, या alpha is equals to d से d cancel 2 qe बाय एम डी और ये थीटा। नाउ अल्फा मैग्नीट्यूड वाइज होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा इन एंगुलर एसएचएम, सो ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टू क्यू ई बाय एम डी इंटू थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, सो क्यू ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू क्यू ई बाय एम डी, और ये वो मांग रहे हैं यही चीज़, और हैंस द आंसर इज सी, C is the correct option.